यहाँ पर भाभी ने ना निकाला है जो इसके ना क्या पकोड़े, पकोड़े अच्छे बनते हैं, ढोकला भी अच्छा बनता है पात्रा का। तो ये लेकर जाने वाले हैं पूजा और खुशी, तो उसके लिए निकाला है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सूखे वाया ने जायफल न लू पुदीनो नहीं जामफल ने सूखे वाय वाह वाह। हाँ वही है ना, वो टाइवन पिंक नहीं है, ये 1 kg है शायद। ये जो एक आप जामफल देख रहे हैं फ्रूट, वो 1 kg का होगा, बहुत बड़े होंगे। और ये 6 month होते हैं ये पौधे को, और उसमें जो फल है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं 6 month में। तो यहाँ पर ये बहुत सारी एलोवेरा जो भाविनी है वो पापा के घर से लेकर आई है, हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं हम दूसरे फार्म पर। ये जो फार्म है उसे बोलते हैं कुढ़ान, और अभी हम जा रहे हैं वांट जो गांव है उसके पास, जो भाविनी का दूसरा फार्म है वहां पर। तो हम लोग आ गए हैं भाविनी की जो दूसरा फार्म है, इसे बोलते हैं वांट, वांट गांव है उनके पास में ही ये फार्म। तो सब लोग आ रहे हैं, यहाँ का एरिया है वो हिल स्टेशन जैसा है। पूजा बोरा आपड़ी वाड़ी घना है भाभी, नसीन ने तू ले लेजे नीचे आवीन, भाभी उतरी आके। तो यहाँ वहां पर देखिए खुशी, पूजा और हंसा दीदी तीनों गए हैं बेर चुनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बेर बहुत कम होते हैं और हमारे फार्म पर बेर बहुत ज्यादा है। और आप देख सकते हैं बादल एकदम छा गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि बारिश कभी भी आ सकती है। देखिए कितने घने बादल हैं और बहुत नीचे तक आ गए हैं। ये फार्म आप जो देख रहे हैं मस्टर्ड क्या बोलते हैं मस्टर्ड, ओ वो मैं भूल गई, सरसों, सरसों का खेत यहाँ पर, खेत में है सरसों। भाई है, फिर भूपेन जीजू है, सुभाष जीजू है, और जिगर है। भाभी नहीं और भाभी दोनों आ रहे हैं बातें करते हुए। यहाँ पर है भावा दीदी, यहाँ से ऐसे ही पानी जा रहा है देखिए मस्टर्ड में। हमारे वहां पर तो ऐसा नहीं है, हमारी पूरी ड्रिप है, तो यहाँ पर ये ऐसे ही पानी जा रहा है मस्टर्ड में। पानी कितना क्लीन है देखिए, नीचे के जो पत्थर है वो भी दिखाई दे रहे हैं, एक लहर भी पानी की यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही ज्यादा क्लीन पानी है, और यहाँ का पानी है वो काफी मीठा है। हम लोग ऐसा बोलते हैं मीठा पानी और खारा पानी, तो हमारे वहाँ पर खारा पानी है लेकिन यहाँ पर बहुत ही पानी अच्छा है, मीठा है। तो जो भी फसल हम लगाते हैं वो काफी अच्छी तरह से हो जाती है। हम जा रहे हैं अब भावना दीदी के फार्म पर, धूप भी बहुत ज्यादा है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। अभी मैं खड़ी थी यहाँ पर गेट बंद करने के लिए। अंदर ले भी, अंदर ले भी। 15-20 मिनट देगी। जय श्री कृष्णा। मोबाइल मुक्त। तो हम लोग आ चुके हैं भावा दीदी के फार्म पर। तो यहाँ पर जो आप नए मेंबर देख रहे हैं वो है हमारे शांति जीजू, जो हंसा दीदी है उनके हस्बैंड। और यहाँ पर है हमारा आज का दोपहर का भोजन का प्रोग्राम, यहाँ पर है
बनियन ट्री के नीचे बनाया हुआ है बैठने के लिए बहुत ही सुंदर ओटा, और उसके ऊपर हम यहाँ पर अभी खाना खाने वाले हैं। तो सुबह सब कुछ बनाकर बना दिया था। तो अभी यहाँ पर हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। प्याज और टमाटर की कटिंग करनी है, बाकी सबको हो गया है। तो मैं, भाभी है, पूजा और हंसा दीदी, भाभी नहीं है वो मम्मी के पास है, बाकी सब वहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हैं। तो आज करनी है हमें पूरा दिन मस्ती। तो अभी दोपहर तो हो चुके हैं, मम्मी जा रहा हूं तो दौड़ी रहने तक दौड़ी कह रहा है ये खुशी करने ला छे अरे मारा कमी दिमाग से करने ने तरफ खाने मंदिर ने आता दिखर पत्र मोते घना है। मैं और दीदी जा रहे हैं यहां पर हरे जो धनिया है उसे लेने के लिए। नीचे की ओर बहुत सारी मेथी लगाई हुई है अनार के बीच में। यहाँ पर है धनिया। आ दीदी वटवाड़ा है धोना है एटले जटला मस्त नीला नीला है आ ने एटले जावड़ा घाटा घाटा है। आ मूड़ा पाक क्या है आ शू है दीदी लींबू है आवा हाँ तो वीडियो उतर नो लींबू है हैं हाँ ये भी जात में लींबू है संतरा जेवा लागे रहा आ खोलिस तो संतरा जेवा जे हैं छोलता को लो करने हाँ। यहाँ पर देखिए मूली है ना वो पक चुकी है, इसके ऊपर फूल भी आ गए हैं और फलियां भी लगने का स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए नींबू इसका कलर देखिए नींबू का बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल ऑरेंज की तरह लग रहा है। मैं पहली बार देख रही हूँ ये नींबू, मैं आपको दिखाती हूँ देखिए बहुत ज्यादा अलग है, भी बहुत ज्यादा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये जो पौधा है नींबू का, और इसकी स्मेल भी और दीदी बोल रही है कि ये जो नींबू है वो क्वालिटी है, इसमें बी होते ही नहीं है, सीड्स नहीं होते हैं इसके अंदर। और मुझे तो ये वाला पेड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें कितने ज़्यादा नींबू लगे हुए हैं ना वो पता भी नहीं चल रहा है। देखिए ऐसे लटक रहे हैं बहुत ज़्यादा। हमने जो घर पर प्याज लगाई है ना उसका जो करायड़ा आया है तो ये होता है प्याज का करायड़ा, इस तरह से होता है। और फिर यहाँ से निकाल के दूसरी जगह पर लगाते हैं, उसे बोलते हैं प्याज का करायड़ा। और यहाँ पर है लहसुन, हम जिस तरह से लहसुन लगाते हैं उससे थोड़ी अलग स्टाइल में यहाँ पर लहसुन लगाए हुआ है। देखिए ऐसे ही जो एकदम लेवल में ही यहाँ पर जो जमीन थी उसके ऊपर ही लहसुन लगा दिया है। मेरी ना वो नींबू के पेड़ से नजर नहीं हट रही है बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं नींबू, धनिया भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरी तरह से पक चुके हैं नींबू, मेरे हाथों में है। अभी मैं आपको एक ओपन करके दिखाती हूँ, इसके अंदर बहुत ज्यादा जूस होगा ऐसा लग रहा है। इसके छिलके भी देखिए ऑरेंज की तरह ही निकल रहे हैं। देखो खट्टे बहुत ही ज्यादा है, मुझे लगा था शायद ऑरेंज की तरह है तो इतने खट्टे नहीं होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा खट्टे हैं, लेकिन दिखने में काफी अच्छे हैं, मुझे पसंद आ गया है ये। स्टॉप कर जे को बताना, मैं खबसा नहीं पर हूं ऊंचा नाक की अभी संतरा खावाए संतरा खावाए डबरा बोला है बेटा ये खाए हूं खाई ने आवी खाओ हां हमें तू है बाप ये बोला बूट वगैरह
लागे तो जो हुए खाऊं तू मेरी भाभी ने खा जो हां ना खा जो आ तू ऊपर से खुशी खुशु एक दो ही नाक में सुद होवे चाको दे हां चाको वो का चल रही है हम बोले ना गाड़ी पेपर पे गुखा रही है खाऊं मैं तने या हुए चक्कर मारी लूं मामा इतना कब आए दे दे ले जाओ तू मैंने फोन नंबर दे मारा ना ना संतरा भले भले दे तारा नंबर ले लो चलो आवामो हां बेगू खाऊं तू केना बेगू लाला बेगू आ संतरा पोलियो दे गयो हम बनाने वाले हैं भेल। तो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं मुरमुरे और दीदी है वो धनिया कट कर रहे हैं अभी ताजा फ्रेश जो हम लेकर आए हैं। और यहाँ पर कट हो रही है प्याज टमाटर। भावा दीदी है वो नक्सी के साथ खेल रही है उसे काम नहीं करना है इसीलिए वो हम सब में बड़ी है इसलिए वो लड़की रमा रही है जो प्लानिंग था उसमें दो मेंबर कम थे वो भी आ चुके हैं। यहाँ पर है ध्यानम हंसा दीदी का छोटा बेटा और ये है पूजा के हस्बैंड दर्शित कुमार। मैं पूजा की मासी हूँ तो दर्शित कुमार हुए मेरे जमाई में उसकी मौसी सासू हूँ। यहाँ पर देखिए सब कुछ आ गया है और ये है मिर्ची की चटनी। राम सत अभी नक्सी है मेरे पास और यहाँ पर दोनों बहनें भेल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर भेल बनाना स्टार्ट कर दिया है। नको नको हाय बोली दो नक्सी को ना मैं ऐसे उठा दूँ ना तो उसे काफी अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये था पार्ट टू। पार्ट वन भी आ चुका है आगे मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट वन भी देख लेना और पार्ट टू आपने देख लिया है तो पार्ट थ्री भी जल्दी ही आ जाएगा। तो प्लीज़ उसे भी देखना और वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।